कुछ फोर्सेस यहोजा कुछ करनगे जिहदे नाल सारा अंदोलन बदनाम हो जाएगा। वो तो मैं स्टेज तो कमेंट कर दिता, डेढ़ महीना वो गालां खादियां, मैं मोबाइल ही बंद करना पै गया। मैं कहा यार भरा मैंने एक गल दस, तुसी यहोजा खालिस्तान चाहुंदे हो जिथे मूँह च हर वेले गांधी होवे? उन्हें मैं 5-7 गालां कढ़ियां, उन्हें फिर झड़ी लाती गालां दी। मैं उन्होंने अखीर च कहा मैं हूँ नहीं तेन कुछ कहना, मैं समझ आ गई तेरी माँ तो बेसवा होएगी। एक सब तो वड्डी मिथ मोदी है तो मुमकिन है वो तोड़ती। पंजाब के लोग जिन्हों मर्जी छेड़ उन्हें पता लग गया भी की हो की रहा है, ये अंदोलन मेरा है। लोगों अवेयरनैस आई है, लोग सोच लग पे ने, जो अगे नहीं सोचते मिल के सोच लग पे, इकट्ठे होकर सोच लग गए, भविख लिए सोच लग पे। सरकार का जो किरदार रहा है, पोलीटिकल पार्टिया का जो किरदार रहा है, वो उंगल उठा लग पे जो अगे नहीं उठाया करते। और एक सब तो वड्डी मिथ मोदी है तो मुमकिन है वह तोड़ती। एक सब तो वड्डी प्राप्ति यह भी हुई मैनू उस दिन बहुत खुशी हुई, कोई 2 महीने पहला आंध्र प्रदेश में म्यूनसिपल इलेक्शन हुई, अपने भी इतने हुई सी, इतने भाजपा को बहुत कुछ लभ्या नहीं, हरियाणे भी हारे सी, पर उत्थे दी खुशी यह हुई इलेक्शन तो बाद उत्थे दा चीफ ने ट्वीट करता है मिस्टर मोदी जिहड़ा किसान अंदोलन चलता है इन्हें हर आंध्र प्रदेश में म्यूनसिपल चोणों में तेरा हिंदुत्व का एजेंडा रोल के रख दिता। ये जड़ी जी गल मैनू इन्नी अपील की, होर कुछ होवे ना होवे, जिहड़ा सिर्फ तो सिर्फ हिंदुत्व के नाँ पर माइनॉरिटीज़ नू मार देने का एजेंडा है भाजपा का, उन्हूं इन्हें हिट किया, ये मैनू बहुत तसली हुई। असी जदों भी गल करते हैं माइनॉरिटीज़ की, सिख की गल करते हैं, मुसलमानों की गल करते हैं, कल कोई मुस्लिम एक छोटा आगू सी मैनू मिलिया, मैं उन्होंने कहा भी मैनू सब तो ज़्यादा अफसोस गल इस गल का है भी तुसी डर गए, मोदी ने तुहानू डरा लिया, अगे ला लिया, उठो बाहर निकलो, असी लड़ रहे हाँ। भावें किसान अंदोलन है, ये मंगा तो सारिया दी ने, यह जिहड़े तिने कानून ने इस तरह एक दूए नाल जुड़े हुए ने, समाज का कोई वर्ग बचता ही नहीं जिहदे ते इहदा असर नहीं हुंदा। और सब तो वध खुशी इस गल की है घट्टो घट पंजाब के लोग जिन्हों मर्जी छेड़ उन्हें पता लग गया भी की हो की रहा है, ये अंदोलन मेरा है। और ये तो भी अगली गल जदों असी उतों कोई ऐलान करते हैं प्रोग्राम का, असी हेठां आके तो नहीं भजे फिरते पिंडां विच भी आयो भी आ करो, सारे देश में उहदे ते अमल हो जाता है। इहदा मतलब सारे देश में इहदी चर्चा और सारे देशवासी इस अंदोलन वल देख रहे हैं। इत्थे ही नहीं दुनिया भर में इस अंदोलन की चर्चा है, जे कनेडा दी सड़कों पर, इंग्लैंड दी सड़कों पर, जर्मनी दी सड़कों पर भारतीय जिहड़े वसदे ने उत्थे वो तख्तियां लैके इस अंदोलन के हक च खड़े ने, इहदा मतलब की पालदे है ये साढ़े लिए, जिहड़े असी सानू जिन्हां ते जिम्मेवारी पाउने साढ़े लिए कुछ सीखण वाला समय, एक विश्वास नवां पैदा होया भी अंदोलन कोई नवीं जड़ियां नीतियां दे उत्ते टकोर करेगा, ये अंदोलन कुछ नवां पैदा करेगा, ये विश्वास साडे लिए जरूरी है असीं कायम रख सकीए। तो मैं समझदा अज नवां इतिहास रचा जा रहा जिहदे च असीं तुसीं सारे भाईवार, ते ये होर भी चंगा होएगा जे साडी नुकता चीनी चंगी होवे, उसारू होवे, सिर्फ गालां कढ़न वाली ना होवे। मैं अंदोलन के दौरान मैं एक दो घटनावां उत्ते कुछ कमेंट किया, मैं ओपनली सारा कुछ नहीं सी कह सकता, वो मेरी मजबूरी सी, जो कुछ मैं देख के आया, जो कुछ मैनू महसूस होया भी कुछ फोर्सेस यहोजा कुछ करनगे जिहदे नाल सारा अंदोलन बदनाम हो जाएगा, वो तो मैं स्टेज तो कमेंट कर दिता, डेढ़ महीना वो गालां खादियां, मैनू मोबाइल ही बंद करना पै गया। और फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू, हाँ कामरेड हो गए,
नहीं मैं एक होर इंटरेस्टिंग गल तुहानू दस्सांगा, पता नहीं उन्होंने हैडक्वार्टर तो मैं फोन नहीं सी चकदा, मैं एक दिन सिरसे जा रहा सी, रस्ते च एक फोन आया, मैं देखिया भी एक लग्या होया मूहरे कोई अमरीका कनेडा तो हुए काला कटू, मैं फोन चक लिया ऑन कर लिया, पैंदे ही सट गाल वड्डी सारी कटी, तो मैं उन्होंने पूछया, मैं कहा यार भरा मैनू एक गल दस, तुसी इहो जिहा खालिस्तान चाहुंदे हो जिथे मूँह च हर वेले गांधी होवे? उन्हें मैनू पांच सत्त गालां कढ़ियां, मैं उन्होंने कहा भी मैनू समझ आ गई भी तेरी माँ ने तेनू संस्कार नहीं दिते, उन्हें फिर झड़ी लाती गालां दी, मैं उन्होंने अखीर च कहा मैं हुण नहीं तेनू कुछ कहना, मैनू समझ आ गई तेरी माँ तां बेसवा होएगी, अज तक मैनू किसे ने गाल नहीं कढ़ी, पता नहीं ठीक जगह हिट कर गया, जो हुण कोई फोन आवे मैनू गाल नहीं कढ़दे, बड़ा प्यार नाल बोलदे ने बाबा जी बजुर्गो आ फलानी गल इदा है, तुसीं फलाने नूं लै लो फलाने नूं छड्ड दो, इदां दीआं गल्लां जरूर हुंदीआं, गालां नहीं हुण ओह कढ़दे। तो अंदोलन चल रहा, पर मेरी नाल तुहानूं सारिआं नूं इक अपील है भी इह तुहाडा अंदोलन है, क्रिटिसिज़म होना चाहीदा, क्रिटिसिज़म सेक नहीं होना चाहीदा, सानूं कुछ समझाउण लई होना चाहीदा जी, तो असीं सिख के जे साडे कोल गलती हुंदी है असीं अपने आप नूं दुरुस्त कर सकीए। एक दूसरी गल मैनू यह नहीं हजम होंगी, शायद ना कदे भी हो, इस अंदोलन सिर्फ एक धर्म का अंदोलन ना बनाया जाए, ये सिख अंदोलन नहीं, एक किसान अंदोलन है, किसान सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और ता ही मैं कह समझदा जे एक किसान अंदोलन रहा ता ही केंद्र ते दबाव वधदा है, और इस नाल असी कुछ नवा नीतियां दे विच तब्दीली लिया सकांगे, बहुत कुछ जरूरत है, साडियां आपो अपना सोचण दा ढंग है, लोड़ां बहुत ने, पंजाब दीआं लोड़ां भी ने, सारे देश दीआं लोड़ां भी ने, इहदे च कोई दो रावां नहीं भी अज दी राजनीति राजनीति नहीं रही, इह व्यापार है, लोक आउंदे ही इस करके ने भी इक वारी इनवैसटमेंट कर लो, किसी तरीके दा लग जाए, टिकट मिल जाए, पैसे खर्चो, MLA बन जाओ, झूठ बोलो सच बोलो, कुछ होवे MLA बन गए, पांच साल लोगों के हाथ बनाओ और रज के पैसे कमाओ, लोगों की कोई परवाह नहीं, अज इदा का स्टफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बीच है, ये स्टफ लभण की लोड़ है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं, सेवा करन वाले लोगों की कमी नहीं, पर जिदा का आला दुआला साडा बन गया, जिस तरह का पॉलिटिक्स का प्रभाव बन गया, जिनी इनवैसटमेंट पोलीटिकल पार्टियां कर दी हैं उदों जिहड़ा सेवा करन वाला एलीमेंट है वो डिसकरेज जिहा लगता है, वो चुप चुप जिहा हो जाता है, ये सानू आप सब नू उभारना पएगा, तुहाडे विचों ही निकलणगे, पर उहनां नू जिहड़े कुछ करन वाले ने उहनां नू उभारन दा काम सारे लोगों नू ही करना पएगा, और जिनी देर तक ये नहीं करांगे ये जिहड़ियां जोकां सानू चिंबड़ियां इहनां तों खहिड़ा नहीं छुटना, ये पता नहीं किन्नी देर तक सानू हिंदू सिख के नाते लड़ाई जाएंगे, हिंदू मुसलमान के नाते लड़ाई जाएंगे, असी माइनॉरिटीज़ का रौला पाते रहेंगे, और उन्हों का काम चलता रहेगा, सारी ताकत एक बारी उन्हों के हाथ च आ जाती है, फिर डंडा जिहड़ा ताकत का डंडा उन्हों के कोल है वो सानू हकी जाते हैं, तो लोगों को इंसाफ मिलता नहीं, तो इस तरह के सैमीनार हो के गल खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करदा इत्थे जिस तरह दे सारे सुहिरद सज्जन जुड़े है इस गल नूं अगे लोकां च लैके जाइए दा नतीजा अच्छा निकलेगा, असी अपने वालों ईमानदारी नाल लगे हुए हाँ, असी उह लोकां रुद्र सिंह बैठा है इन्हें भी तकरीबन मेरे नाल पांच चार साल घट लाए होने ने, तो इन्हें भी सारी उम्र इधर लाती, नत्त साहब बैठे ने इन्होंने अपनी फील्ड सारी उम्र लाती, तो जदों हुण सारे लोग एक दूजे नूं समझण लगे है मैं समझदा ये टुटनी नहीं चाहिए समझ, ये होर मजबूत होनी चाहिए है, असी एक दूजे को सीखीए और जो कुछ समाज नूं चाहिए जो कुछ देश नूं चाहिए मैं एक गल कह के क्षमा चाहांगा, मैं एक बारी जदों पहली बारी विदेश गया कोई 25-26 साल पुरानी गल है, मैं जो एयरपोर्ट से उतरिया एक मेरे सज्जन का बेटा उत्थे इमीग्रेशन सी, वो जी मोहर जी लाते ना पासपोर्ट से लाइन लवा के
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹਰ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਤੁਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਰਾ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਖਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਸਫੁੱਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ